दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 143 साल बाद नवरात्रि में सभी देवी है प्रसन्न, करेगी इन राशियों की सभी मनोकामनाएं पूरी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस बार नवरात्रि में सिंह, तुला, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोग रहेंगे भाग्यशाली। इन राशि वालों के व्यापारिक क्षेत्र में किए गए कार्य सफल होंगे। लंबे समय से जिस कार्य को करने के लिए मेहनत कर रहे थे वो मेहनत सफल होगी और आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा, आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं सफल होगी, शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी। शनि की पूजा अर्चना किया करें, आपको प्यार का एहसास दिला सकता है। धन आगमन के प्रबल योग बन रहे हैं, किसी पुराने मित्र से मुलाकात अच्छी रहेगी, लंबे समय से चल रही बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, आप अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे, महादेव का आशीर्वाद रहेगा, आप अपनी परेशानियों को सूझबूझ के साथ हल करते हुए कामयाबी के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे, जीवन साथी की तलाश खत्म होगी, जल्द ही आपकी शादी की तारीख तय हो सकती है। खुद को नियंत्रित रखने और यह याद रखने की जरूरत है कि ऐसा करने से आप अपने और उनके बीच दीवार खड़ी कर लेंगे। आपकी मुस्कुराहट आपके प्रिय की नाराजगी दूर करने के लिए सबसे उम्दा दवा है। आप उन लोगों की तरफ वादे का हाथ बढ़ाएंगे जो आपसे मदद की गुहार करेंगे। नौकरी के क्षेत्र में आपको प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, साथ ही आपकी सैलरी में भी बड़ी वृद्धि हो सकती है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप अपने मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर करते हुए सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया कि नवरात्रि में सभी देवी है प्रसन्न, इन राशियों की करेगी मनोकामनाएं पूरी। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएँ। लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल लाइफ एक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। हम जल्दी मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।